निकल जाए ना सरल बचन रख के हिमालय तो केदारे शिवालय तानि ज्योतिलिंगानि साय प्रातः पठन् नरः स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि नमस्करोमि।
अग्रे ध्यानम ध्यान करिएगा मेरे उता से ओम चत्वारि श्रेष्ठ पूर्व स्व अग्ने वैश्वा नर सांडिल्य स गोत्र भूमिमाता वरुणा पित्तम मे सत्जम मम सुखिनो भव तो प्राणा को नमस्कारों में अग्निदेव से प्रार्थना करिएगा कि हे अग्निदेव हम जो भी सामग्री आपको दे रहे हैं इदम इंद्राय इदम नमः ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमः ओम गणपते स्वाहा ओम यमाय स्वाहा ओम स्कंदाय स्वाहा ओम अनंताय स्वाहा ओम वायवे स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम मूर्धानं विनाशिकं श्रुतं श्रुतं विशक्तिं जप्य जमाला च दक्षिणे हरि ओम श्री देवताभ्यो नमः गुरुप्राणात् ओम हरि ओम महा अग्ने ओम तन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् महादिदिम् तमोर सर्वपापानं प्रणतोऽस्मि वाकरम् ओम सूर्याय स्वाहा ओम दरिशङ्करसारावं चेनो नानव संभवं नमामि ससि नमसोमे संभोमुकुटम् ओम सनिश्चराय स्वाहा ओम अर्धकाय महावीर्यं चन्द्रादित्यवर्धनं सङ्गिकागर्भ सम्मोदं तं राहो प्रणवाप्य स्वाहा
स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा ओम भूर्वस्वः भूर्वस्वः तत्सवितुः वरेण्यं ब्रह्मो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्वस्वः तत्सवितुः वरेण्यं ब्रह्मो देवस्य धीमहि धियो न स्वाहा ओम भूर्वस्वः तत्सवितुः वरेण्यं ब्रह्मो देवस्य धीमहि धियो न स्वाहा ओम भूर्वस्वः तत्सवितुः वरेण्यं ब्रह्मो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा पूर्णावती के पश्चात माननीय क्षेत्र संचालक जी का बौद्धिक रहेगा और उसके बाद प्रसाद ग्रहण कर ही यहाँ से जाएं ऐसी नगर के विधायक प्रदीप पत्रा जी भी पधार चुके हैं। पूर्ण आहुति के समय पूर्ण आहुति देते हुए नगर विधायक प्रदीप पत्रा जी अभी पहले गोला छूटेगा, गोले के बाद फिर उसमें धार जाएगी घी की, उसके पश्चात हमने सामग्री रखनी है। पूर्णम स्वाहा, नीचे से घी का पात्र उठा के धार दीजिएगा। ओम वासो पवित्र मासे सतधारम वासो पवित्र मासे सतधारम देवस्त्वा सविता पुनातु वासो पवित्रेण सतधारेण सुपादाम शुद्धः स्वाहा ओम पूर्णम स्वाहा पुनम स्वाहा भूलयज्ञ नारायण भगवान की। अपने फिलहाल अभी यथास्थान पर बैठिए सभी आरती होगी इसके बाद अभी यथास्थान पर बैठेंगे। एक बार चलिए सभी लोग जो है हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करिएगा। प्राण समुगः दग्निरजायतः सुप्राणार्थो सिद्धे आगच्छुकं देवास्थान चार्दिष्णो यवद्भो भवः यज्ञनारायणाभ्यं नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि नमस्कारोत्तराद्वाय सुप्राणसमुखः दग्निरजायतः हरेषु सर्वदाष्टकामार्थ सिद्धये। यज्ञनारायण भगवान की आरती करके सर्वप्रथम उसके बाद फिर रामायण जी की वंदना। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट सब मानसिक बल दीजिए। वेद की बोस में हो मग सारे संसार को,
नित्य सत्ता भक्ति से अज्ञाति हम करते रहे, विश्व के संताप सब हरते रहे, कामना मिट जाए मन सब मिटे हमारा प्रेम पथवी, मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा बल दे। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय। अब अपने स्थान पर बैठेंगे और आरती करेंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रत कलित ललित सिया पीकी, गावत ब्रह्मादि कमुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सन का दिशेष अरु सारद, परनि पवन सुत कीरति नीकि, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, छओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि धन संतन को सर्वस सार अंत, सम्मत सब ही की आरती श्री राम आयन जी की, गावत संत शंभु भवानी, हरु घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बाज बखानी, काक भूषुंडि गरुण केही के, मलहरनि विषय रस प्रीति सुभग श्रृंगार, मोक्ति जुबति के आरती श्री रामायण के, दनल रोग भव मोरि अमिति, दनल रोग भव मोरि अमिति, तात मात सब विधि तुलसी के आरती श्री रामायण जी के, आरती श्री रामायण जी की। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। आरती तन रघुनाथ कला के, जाके बल से गिरिवर कांपे, आंसु दिलाए नंद सोकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत पारन लाई, लंका जारी असुर संहारे, राम जी के काज संवारे, लक्ष्मण मोर चित पड़े सकारे, आन संजीवन प्राण उबारे, बैठी बतार तोरी जमकाए, भुजा सुर दल दाहिने भुजा मान उचारे, कंचन धार कपूर लोचाई, आरती करत अंजना माई, आरती मान ललाती दोष दलन रघुनाथ कलाती, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो मैं तो तन मन वारो, आरती
सिंहासन राज तिजोरी, कनक सिंहासन राज तिजोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युग मोहे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो मैं तो राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, वाम बाग शोभित जग जननी, वाम बाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत जत है सुत अजनी, इन चरणों में जीव आरती उतारो, चरणों से निकले गंगा मत के मन मावे, आरती हनुमत के मन मावे, राम ओम जगे नगमदंतरेवस्तानि धर्माणि प्रथमाञ्च वीर वज्र की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, हरे माता की जय। लेकिन वो जर्जर हो चुका था, तो ऐसे जो है भवन का है और इस भवन का निर्माण कराया, तो आज हम जो है उनको सम्मान भी करेंगे। श्रीमान अपने क्षेत्र संचालक जी हैं, माननीय क्षेत्र संचालक जी, तो श्रीमान रवि जी है क्या कहीं प्लम्बर जो रवि जी, श्रीमान सोम, श्रीमान संजय जी जो वेल्डर हैं, श्रीमान राजेश्वर जी, श्रीमान महेश जी जिन्होंने अभी अपना कार्यालय, ट्रिपल एमए किया है, और आप जब से ये आधुनिक भारत में योग की, आप सीबीआरआई से सेवा
मेजबानी व्रत हैं और वर्तमान ऐसे अपने श्रीमान सूर्य प्रकाश टोंक जी, आप पूर्व में मेरठ प्रांत के माननीय प्रांत स्वामी करणवीर जी, श्री अन्य अधिकारीगण, मेरे सम्मुख उपस्थित आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, भगिनियों, बच्चों, अभी हम तैयार मन उसके प्रति काम करने का एक संकल्प जो उस भगवान ध्वज के सम्मुख हम प्रतिदिन लेते हैं उसको साकार करने के लिए आज करोड़ों की संख्या में समाज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, कोई सा भी ऐसा क्षेत्र संभवतः आज देखने में नहीं आता जहां संघ के कार्यकर्ता के माध्यम से जो मन निर्माण होता है वो पूरे क्षेत्र के अंदर अपनी भूमिका निभाने के लिए चला जाता है। जहां उस प्रकार के परिवर्तन करने की दिशा में निश्चित रूप से थोड़ा बहुत आगे बढ़े हैं, कुछ ना कुछ ऐसा संकल्प जरूर लें कि मैं अपनी इस जो मेरी मुश्किल है, मेरे अंदर कुछ ऐसी बात है जो नहीं होनी चाहिए, वो आज इस संकल्प को यहाँ इस यज्ञ कुंड में स्वाह कर दें और जीवन में संकल्प लें कि आने वाले समय में जो भी काम मैं करूंगा उसको राष्ट्र जीवन में श्रेष्ठतम करने का प्रयत्न करूंगा। और कुंज में ये जो दो नाम है, गंगा जैसी पवित्र वो नदी नहीं है और गंगा में पानी नहीं है, जल है, ऐसा पवित्र जल के नाम से ये कार्यालय है। इसमें अपने जीवन को हम सभी जो अग्रज हैं वो भी और जो नई पीढ़ी है वो भी सब अपनी अपनी भूमिका ठीक प्रकार से निभा सकें, इसको केंद्र बनाते हुए ये सफलता की ओर ले जाए सबको, इतना ही निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। भारत माता की जय। धन्यवाद प्रस्ताव देंगे और उसके बाद हमें सभी को भोजन कर जो है प्रसाद लेकर ही जाना है। श्रीमान स्वामी ओम स्वस्थ पंथा मनुचरण सूर्य चंद्र मसाभिवा पुनर्दवितात्मता जानता संग्रमे नहीं। ओम शांति शांति शांति। मंच पर विराजमान संन्यास्त गुरु और हमारे अधिकारीगण, पूज्य माता और बहनों, आदि भक्त पुरुषों, हम सभी ने मिलकर यहाँ पर मैं समझता हूँ दो दिन से रामायण का पाठ चल रहा था और हम जब यहाँ पर पधारे तो रामायण लगभग संपूर्णता की ओर थी। उसके पश्चात ने यहाँ पर यज्ञ किया और यज्ञ के अंदर वैदिक मंत्रों से आहुति दी। अब जब कोई नया भवन बनाते हैं उसमें प्रवेश करते हैं उससे पहले वहां पर कुछ धार्मिक कृत्य किया जाता है और उसका उद्देश्य यही होता है कि इसके अंदर इस भवन में हम रह रहे हैं या रहेंगे उसमें एक सात्विकता हो। उसमें रहने वाला कोई भी व्यक्ति एक सात्विक इंसान हो और वहां से एक अच्छा संदेश जाए, क्योंकि शब्द अपने आप में अमर है, शब्द कभी नाशवान नहीं है, नाश को प्राप्त नहीं होता। हम जब वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है अग्निमीडे पुरोहितम, तो तब तक भी सृष्टि की रचना होगी तो मंत्र वहीं पर आएगा। तो ईश्वर की व्यवस्था है, इसलिए यहाँ पर हमने यज्ञ किया और हमारे शास्त्रों में कहा कि स्वर्ग काम हो यजे, यदि आप स्वर्ग की कामना करना चाहते हो अपने परिवार में, देश में, समाज में, तो यज्ञ करो। यज्ञ के बारे में भी पूर्व वक्ता बहुत सुंदर आपको बता रहे थे
इसमें सुहाग किया जाता है। तो सुहाग का अर्थ यही है कि हम जो ईश्वर को देना चाहते हैं, अग्नि अग्नि भाई देवाना मुख, अग्नि देवों का मुख है। अगर हम कोई चीज ईश्वर को खिलाना चाहते हैं तो अग्नि में आहुत नहीं है, जो जड़ देवता है और चेतन है शरीर को प्राप्त होगी। तो सुहाग का अर्थ होता है कि हम अग्नि को देना चाहते हैं सुआहार, एक अच्छे मन से, और दूसरा अपनी बुराइयों का सुहा कर। यदि यज्ञ के अंदर अपनी बुराइयों को सुहा कर देते हैं तो निश्चित हमारा समाज व्यक्ति और देश अच्छा बनता है। बुराइयां दूर हो जाएंगी तो हमेशा सद विचारों का प्रवाह हमारे अंदर रहेगा, और जब सद विचार हमारे अंदर होते हैं तो एक सात्विक वातावरण होता है। आपने कई बार देखा होगा हम कई ऐसे स्थानों पर जाते जो हमने भी यहाँ पर किया, तो ये तभी संभव है जब हमें इसका बोध हो गया। चिंता कर रहे हो हमें इससे क्या लाभ होगा, पर्यावरण शुद्ध होगा एक अलग बात है, लेकिन हमारा मानसिक संतुलन बना रहेगा, मानसिक जो चिंता बहुत अच्छा होगा, और जब मानसिक चिंता अच्छा होगा तो परिवार में अच्छे सुसंतान जन्म लेंगे, और जब अच्छे संतान परिवार में आए तो वही तो परिवार समाज और राष्ट्र का नाम रोशन कर जाएगा। छोटे क्षेत्र में निकालते हैं, मैं कई बार जब देखता हूँ परमात्मा के अंदर प्रभाव है, ये छोड़ रहा है परमात्मा का सूर्य एक लाइट हमको दिए, कभी जीवन में आता कभी नहीं आना कभी आएगा। जब रात्रि होती है तो चंद्रमा आता है वो प्रकाशित करता है, उसका भी कोई बिल नहीं आता। गंगा नदी जब से गई और आज तक हमारे देश के दूध बहुत बड़े, पकड़ेंगे इतने पैसे उनके पास मिले, अगर वो ध्यान करते होते योग में उनकी गति होती तो मैं समझता हूँ वो राष्ट्र के साथ धोखा नहीं करते। तो भाई जीवन को अच्छा बनाना है, और इस संस्थान का अभी भाई बता रहे थे कि हमने विद्यार्थियों के पढ़ने की व्यवस्था यहाँ पर की, लाइब्रेरी ने पढ़नी है, और ये भारत ही नहीं, मैंने 30 साल लगभग आसाम में काम किया आदिवासी क्षेत्रों में, जब मैं पढ़ रहा था कांगड़ी के अंदर तो मैंने वहाँ पर देखा, वहाँ पर भी संघ के आदिवासी पर जहाँ पर खाने को कुछ नहीं मिलता, आश्चर्य की बात है। मुझे अच्छी तरह पता है, हम रहते थे तो हम केवल नारियल पानी पीते थे, क्योंकि वहाँ पर जो लोग ज़्यादातर मांसाहारी हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर रहना ही अपने आप में कठिन है। प्रचार करना भी का धन्यवाद करना चाहूँगा, आप सभी यहाँ पर आए और मुझे भी आने का मौका दिया, तभी मैं आपसे थोड़ा कुछ वार्तालाप कर पाया। तो वैदिक ने कहते मेरी वाणी को विराम देता हूँ, ओम शम। आज के परम पावन शुभ अवसर पर उपस्थित महानुभाव अधिकारी वृंद, अतिथि वृंद, मातृ शक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता बंधु भगनियों का मैं राष्ट्रीय संसद संघ रुड़की जिले की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। हम करें यहाँ सभी आगंतुक प्रसाद लेकर जाएंगे, प्रसाद की व्यवस्था ये जो अगर हाथ ध्यान मुद्रा में ला सकते हैं तो बहुत अच्छा। पहली पंक्ति के उपरांत सामूहिक रूप में सभी बोलें, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Thank you.
राम राम जी। ओके चावल जा रहे हैं। वाह दीवाने आपने तो पकड़ तोड़ी नहीं। भारत माता की जाए।